तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि अच्छा ही होंगे। देखिए दोस्तों, आज मैं क्या तोड़ के ले जाऊंगी, इसको बोलते हैं पम्पकिन का साग। देखिए इसको तोड़ लेते हैं, अभी इसी का साग बनेगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा लगता है, वेरी वेरी टेस्टी इस टाइप का बनता है। एक दिन भी दिखाई नहीं है इसका, आज बना के दिखाती हूँ आप लोगों को। एक फूल भी हुआ है, देखिए बहुत ही टेस्टी लगता है। देख के तो मन में लग रहा है कि कब इसको खाएं। कल से तो चिकन उकन खा खा के ही मन उग जा रहा है, इसलिए सोची कि अभी इसी को बनाते हैं। देखिए दोस्तों, कितना सारा लेके आई साग। अभी इसको कैसे बनाते हैं आप लोग जरा देखिए। आप लोग के तरफ इधर ऐसे साग मिलता है कि नहीं? अगर मिलता है तो इसको क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताइएगा। देखिए कितना हरा भरा साग है। दीदी का यहाँ, भैया का यहाँ तो चिकन मटन खा खा के तो पेट गर्म हो गया। आप तो सोच रहे हैं कि क्या खाएं, जरा साग खा लेते हैं। उधर उधर छोटी सिस्टर देखिए, उधर आरबी का साग बना रही है। आज साग का ही पार्टी चलेगा दोस्तों। इसको बोलते हैं कोहड़ा का साग, पम्पकिन लीव्स। देखिए इसको इस तरह बनाते हैं। ओडिया में, इधर ओडिशा में कोखारू सागो बोलते हैं और झारखंड में बोलते हैं कोहड़ा का साग। देख, पेड़ भी है, तुलसी भी है इधर, और इधर है फूल। देखिए क्या फूल बोलते हैं, ओडिशा में इसको मंदार फूल बोलते हैं दोस्तों, और हिंदी में क्या बोलते हैं, गुड़हल का फूल। हो गया हिबिस्कस। एक नीम का भी पेड़ है, देखिए आंगन में ही है। और क्या क्या लगाए हैं देखिए, उधर पूरी साग सबको दिखा। धोई लगा दो, बाकी तो पहनते ही थे। दूसरी जो है कोको सुना, कोको का दिखा बाकी दिखा देंगे। कोको का मोती थी नकी कर थे किचन में करो। देखिए दोस्तों, आधा बना चुके हैं, अभी इतना है और बना लेंगे। देखिए दोस्तों, मेरी सिस्टर की बेटी कैसे मसाला पीस रही है, छोटी सी बच्ची। गांव में इसे काम करना होता है सब कोई को, वो है सिस्टर, जा रही है उधर, उसकी बेटी है ये मसाला पीस। कहाँ कहाँ सारा मसाला को तो घुसा दे रही है। अच्छा से पीछो, कोहड़ा का फूल सबको मिला देंगे। कर लिए, अब इसको धोएंगे, उसके बाद काट देंगे। है। इसको ऐसे बना देते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है, मीठा मीठा लगता है। मेरा तो मुंह से पानी आ जा रहा है, कब पकेगा। बना रहे हैं तो दिमाग खराब। तो इसे एक में जमा कर कर इसे काटना होता है। इसे काट के मल लेंगे, स्लाइस स्लाइस कर काट लेंगे तो जल्दी ये हो जाता है, पक जाता है। ये सब सीजनली है दोस्तों, बारिश का महीना में जो होता है उसको खाना ही जरूरी है बॉडी के लिए। बहुत विटामिन मिलता है शरीर को, इसलिए आप लोग के तरफ भी काट लिए तो इसको और क्रॉस काटना होता है। और एक बार काट लेती हूँ इसे करके।
इसमें जो खस खसी रहता है इसे कर देने से उसको चिकना हो जाता है तो सॉफ्ट हो जाता है ऐसे। हाँ जी ऐसे से खिला। देखिए इसको ऐसे ऐसे करके अच्छा से रगड़ देना होता है जो खस खसी रहता है ऊपर का सब खत्म हो जाता है। इतना सुंदर हरा इसको खाने से तुरंत आयरन आ जाएगा शरीर में। ये कोई खाद उद लगा हुआ नहीं है दोस्तों अपने से निकला है। देखिए धो लेंगे इसी में पानी डाल लेते हैं। तो इसे अच्छा से चिपट लेना है। सबु आड़े खाऊन तैयारी कर लिए। यह नेनुआ और यह कोहड़ा का साग यह फूल यह बैंगन यह दो तीन डांग गोदी भी मिला दे रहे हैं। सबका टेस्ट एक ही बार आएगा। देखिए दोस्तों कढ़ाई गर्म हो चुकी है इसमें इसे पानी दे देना है। पहले देहाती वाला बन रहा है दोस्तों पूरा प्योर देहाती साग को इसे उसमें डालना है। सबको एक ही बार डाल दूंगी। इसे डाल दे अभी इसमें इसे ढक्कन लगा दूंगी। देखिए दोस्तों ढक्कन खोल ली मम्मी अभी ये चलाइए। तो मम्मी अभी इसका पानी सब खत्म हो जाएगा उसके बाद पक जाएगा। नमक दे देंगे कि पानी खत्म हो लेगा। देखिए दोस्तों अब पक गई है इसमें जरा इतना सा टमाटर डाल देते हैं। देखिए मिला देते हैं इसे। देखिए कढ़ाई गर्म हो चुकी है उसको भी निकाल लिए हैं। और इधर अभी क्या से छनकाना है सरसों तेल से और लगाएगी क्या मिर्ची। देखिए मिर्ची फोरन लगा दिए तड़का को है बन के रेडी हो गया दोस्तों। आप खाने में मिलते हैं। बहन नमक चख रही है दोनों मिलके बना रहे हैं। आप खाने में मिलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों खाना रख ली मैं। ये साग है अरबी का साग बैंगन आलू का सब्जी। ये है कोहड़ा का साग। आप मैं टेस्ट कर लेती हूँ कैसे लग रहा है। जरा सबको खा लेती हूँ। वाकई दोस्तों साग तो जरूरी भी टेस्टी बना है। दिल खुश हो गया खा के। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक एक शेयर एक कमेंट जरूर से जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। इतना देर वीडियो में बने रहें इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नई वीडियो में एक नए जोश के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय जोहार जय झारखंड।